नमस्कार दोस्तों, मसीह इंच आजकल हमारे रोज के इस्तेमाल होने वाली सामानों से लेकर अब खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम करके कृषियों का समय आसान कर दे रही है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको कृषियों के काम में इस्तेमाल होने वाली एक से बढ़कर एक मजेदार मशीनों और तकनीकों का जानकारी दिखाएंगे, जिन्हें देखकर वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ने वाली है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। जोनी डेरी 8370 कृषि के लिए बनी ऐसी विशाल मशीन शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। दोस्तों, इसकी स्पीड देखा जाए तो 12 घंटे में यह लगभग 40 से 50 एकड़ खेत कवर कर लेती है। यह मशीन इतनी अधिक ताकतवर और भारी होती है कि इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी आम ट्रैक्टर को नहीं बल्कि शक्तिशाली ट्रैक्टर को ही इसके साथ जोड़ा जाता है। इस मशीन का मुख्य काम खेत को जोतने का ही होता है। यूं तो इस काम के लिए दूसरी आम मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आजकल विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नियंत्रण तरक्की का ही ये कारण है कि अब खेती जैसे बड़े लंबे और थका देने वाली काम केवल कुछ ही घंटों में इस प्रकार के मशीनों के जरिए जल्दी खत्म किया जा रहा है। स्प्रेयर, दोस्तों ये चैफर स्प्रेयर नामक मशीन का काम खेतों में लगी फसल को एकदम बराबर अमाउंट पे पानी और फर्टिलाइजर स्प्रे करने का होता है। इस तरीके का मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन के द्वारा कृषियों अपने बड़े बड़े खेतों में स्प्रे करने का काम बहुत ही फास्ट और इफिशेंट तरीके से कुछ ही मिनटों में ही पूरा किया जा सकता है। एक बार इस मशीन के भुजाओं को खोल देने के बाद इस मशीन को बागों में फसल के बीचों बीच से गुजारा जाता है, जहां ये मशीन दोनों साइड्स के बूम में लगी स्प्रे वाले नूप से इन फसलों पर स्प्रे करना चालू कर देती है। आप कल्पना कर ही सकते हैं कि अगर यही काम किसी शख्स के द्वारा पीठ पर टैंक बांधकर पंप मारते हुए किया जाए तो वह कितना अधिक समय ले सकता है, मगर यह मशीन वही काम मानो मिनटों में ही निपटा जाती है और पूरे फसल के किसी भी बाग को पानी और फर्टिलाइजर्स के छिड़काव से अछूता नहीं रखती। स्वीपर, दोस्तों खेतों से सब्जी तोड़ना इतना सरल भी हो सकता है शायद ही आपने पहले कभी सोचा होगा। ये ऑटोमेटिक स्वीपर मशीन शिमला मिर्च की फसल के चारों ओर घूमती है और साथ ही सिर्फ पकी हुई शिमला मिर्च को अपने सेंसर्स की मदद से पता करके कलेक्ट करती है। ये बेहद क्रांतिकारी मशीन दरअसल एक प्रकार का रोबोट है, जिसमें लगा AI सिस्टम इतना जबरदस्त है कि वह फलों को उनके रंगों के हिसाब से उनके पके या कच्चे होने का पता लगाकर केवल पके फलों को तोड़ने में काफी ज्यादा माहिर है। और फल तोड़ने का तरीका भी ऐसा कि पौधे पर लगी डाल और अथवा अन्य फल को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। ये मशीन दिन भर लगातार 20 घंटा तक काम कर सकती है। बेस लेयर, इस मशीन को आप खेत के सरफेस पर लगाकर फसलों के लिए खेत की मिट्टी को बिल्कुल एक परफेक्ट शेप दे सकते हैं। वैसे तो खेत में अनेक प्रकार की फसल बोई जाती है और जिसमें कुछ फसल ऐसी होती है जिसके लिए खेतों में क्यारियां बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में यह मशीन मानो किसी मिस्त्री की भांति खेत में क्यारियां बनाती जाती है। जैसे जैसे खेत में यह मशीन आगे बढ़ती जाती है तो यह सपाट खेत में चलते हुए मशीन के पीछे लगे मुख्य भाग में मिट्टी को उठाकर एक समान आकर दे दी जाती है और जिसके कारण पीछे बेहद सटीक क्यारियां बनती जाती है। 190 हर्ट्ज पावर की ताकत वाली ये मशीन धीरे धीरे आराम से आगे चलते हुए खेत पर क्यारियों को बनाने का काम आसान कर देती है। वाटरमास्टर ड्रेजर्स, क्रांतिकारी तकनीक से लैस ये मशीन आज के समय में कितनी कारगर साबित हो रही है उसका एक स्पष्ट उदाहरण आप अभी देखने वाले हैं। किसी केकड़े के भांति पानी में सरक सरक कर जाने वाली यह मशीन छोटे नदी नालों एवं नहरें को साफ करने का काम में इस्तेमाल की जाती है। अभी तक कुछ ऐसे ही मशीनें थी जो केवल पानी के ऊपर तैरती गंदगी को ही साफ करती थी, मगर यह मशीन एक कदम आगे जाते हुए पानी के तल में फंसी गंदगी को भी साफ करने में काफी माहिर होती है। नीचे तल में जमी गंदगी को साफ करने के लिए पहले इस मशीन को उस स्थान पर टिका दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगा एक शक्तिशाली भाग पानी के तल को खुरच खुरच कर तल के गंदगी को अपने अंदर खींच के ऊपर लगे नलिका से दूर फेंकता जाता रहता है। फेडलॉट फीडर,
खेतों से सूखी घास के बंडल को बनाने की आपने पहले अनेक मशीनें देखी होंगी, लेकिन यह मशीन उस बंडल को खोलने का काम में इस्तेमाल की जाती है। इस सूखी घास के बंडल के एक सिरे को इस मशीन के नीचे वाले भाग में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन धीरे धीरे उस घास को बंडल से खोलकर पशुओं के लिए खाने के लिए बनाई गई जगह पर डाल देती है। इस प्रकार की सूखी घास पशुओं को काफ़ी पसंद आती है। अक्सर इस प्रकार के बंडल से सूखी घास को हाथों के द्वारा भी डाला जा सकता है, लेकिन कई देशों में इस काम को करने के लिए भी लोग मौजूद नहीं होते और यह किसान आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न होते हैं, तो ऐसे में इस प्रकार के मशीन को खरीदने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं, जिससे इनका काम रुकता भी नहीं है और मशीन के प्रयोग से काम करना आसान भी हो जाता है। फ्लेमिंग ट्रैक्टर, दोस्तों इस मशीन का रोल खेतों के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। इसका इस्तेमाल नई फसल उगाने से पहले किया जाता है। इस फ्लेमिंग ट्रैक्टर में एक सोयल कल्टीवेशन मशीन लगी होती है, जिसमें से फ्लेम्स निकलती है। असल में इस मशीन का इस्तेमाल उन खेतों में करा जाता है जहां नई फसल लगाने के लिए पुराने फसलों के रिमेन्स को खेत पर से गायब करना होता है। इसमें कई सारे नोजल्स लगे होते हैं, जिनमें से एक साथ फ्लेम्स बाहर निकलती है और जो खेत में मौजूद सारी गंदगी को जलाकर खेत को नई फसल के कल्टीवेशन के लिए तैयार कर देती है, ताकि आने वाली फसलों को एकदम फ्रेश सरफेस मिले। पचूरा, गाय के बछड़ों के लिए खास तौर पर बनी ये मशीन अपने आकार के कारण अलग तो है ही, साथ ही साथ बछड़ों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रही है। उपयोग में लाने से पहले इस मशीन के कंटेनर में दूध को भरा जाता है और साथ ही बछड़ों के सही विकास के लिए एक खुराक भी इस दूध में डाली जाती है। उसके उपरांत इस मशीन को बड़े से घास के मैदान में ले जाया जाता है और वहां मशीन के पहुंचते ही बछड़े इसकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि वह काफ़ी समय से इसके आदि हो गए होते हैं। इस मशीन के साइड में छोटे छोटे थन लगे होते हैं, जहां से बछड़े इन्हें चूस कर दूध का आनंद लेते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। ये कमाल की मशीन बछड़ों के विकास में काफ़ी लाभदायक साबित हो रही है और किसान भी इससे काफ़ी खुश है। BCS रीपर, कृषियों को खेत के काम में लेबर की कमी और बढ़ती महंगाई को देखते हुए खेतों पे फसल कटाई को सपोर्ट देने के लिए BCS इंडिया ने बहुत ही उपयोगी ये रीपर मशीन किसानों को दिया है। जैसे कि आप इस मशीन के कार्यावधि को देखकर ही समझ गए होंगे कि इस मशीन के प्रयोग से काम कितना आसान हो सकता है। अक्सर गेहूँ के कटाई के वक्त खेतों में बहुत ज़्यादा भीड़ देखा जाता है, लेकिन इस मशीन के मदद से गेहूं की कटाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ गेहूं को काटता ही नहीं है बल्कि काटने के बाद मोटे मोटे बंडल बनाकर इन्हें बांध के साइट में रखती जाती है। पी हार्व, दोस्तों यह पम्पकिन हार्वेस्टर मशीन समय और लेबर दोनों का काफ़ी बचत कर लेती है। कुछ ही मिनटों में यह 10 से 15 कद्दूओं को प्राप्त कर सकता है। अब खेतों से कद्दूओं को काटना और उठाना हाथों से ना करके इस मशीन के प्रयोग से कृषियों को काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा। सबसे पहले तो इस मशीन का मुख्य काम जमीन पर पड़े कद्दूओं को उठाने से पहले इन्हें एक लाइन पर रखती जाती है, और देखा जाए तो इस मशीन में एक खास प्रकार की कांटों का व्हील यानी चक्का लगा होता है, जिसके मदद से नीचे जमीन पर फले कद्दूओं को उठाकर ऊपर कन्वेयर बेल्ट में डालते जाता है। इस मशीन के अंदर मौजूद एडवांस्ड स्टोन रिमूवर खुद ब खुद पत्थर कंकड़ को अलग कर देती है और साथ ही सड़े हुए कद्दूओं के टुकड़े को पीछे से फेंकती चली जाती है। सिप क्रेट, अक्सर बेड़े सबाव में काफ़ी चंचल होते हैं, जिसके कारण उन्हें नियंत्रण में रखना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर इस खास प्रकार के ढांचे के मदद से भेड़ को नियंत्रण में रखना काफ़ी सरल हो जाता है। इस कमाल के उपकरण को इस्तेमाल में लाने से पहले भेड़ को संक्रिया रास्ते से गुजारकर उन्हें मुख्य सांचे में फिट कर दिया जाता है। फिर किसान इस सांचे को 180 डिग्री के कोण में घुमा देती है और जिससे भेड़ पलट जाती है। इसके बाद उनके खुरों को साफ करना या फिर उन्हें दवाई पिलाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस प्रकार के सांचे के द्वारा भेड़ों को पलटने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती।
और भेड़ों को जांच करने के बाद सकुशल उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। थ्री बाई फाइव पी। दोस्तों, यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और घरेलू आविष्कारक मशीन है जिसका मुख्य काम खेतों और घास के मैदानों में उगे हुए अन्य घास को एक रोटरी कटिंग देकर साफ कर देती है। मशीन को प्रयोग में लाने से पहले ट्रैक्टर के पीछे फिट किया जाता है और फिर नीचे लगे धारदार बेलन की मदद से घूमती हुई घासों को पेल देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आगे भी ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी को दबा देना। अब हम जल्दी मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारा खुशी है। धन्यवाद।